तो आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों को देखने के बाद अब आइए देखते हैं कि ये जो आर्थिक नियोजन के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, वास्तव में इनके लक्ष्य क्या थे, क्यों बनाई गई। तो अगर हम इन पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों की बात करें तो इनको हम दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहले जो लक्ष्य है वो दीर्घकालीन लक्ष्य है और दूसरा जो है वो अल्पकालीन लक्ष्य है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि पर बल देना, ये इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। आर्थिक, जैसे कि अर्थ के बारे में, धन के बारे में हम पहले भी जानते हैं, और समृद्धि यानी कि विकास करना, वृद्धि करना, अब चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे किसी वस्तु के उत्पादन के क्षेत्र में हो, या किसी सेवा के उत्पादन जैसे चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा, इन सब सेवाओं के विकास के क्षेत्र में हो। तो ये जो क्षेत्र है अलग अलग, चाहे वो शिक्षा हो, कृषि हो, उत्पादन हो, या सेवाओं का जो उत्पादन है, इन सब को एक नई दिशा, एक नई गति प्रदान करना, ये इसके दीर्घकालीन लक्ष्य के अंतर्गत निर्धारित किया गया। दूसरे इसके हम दीर्घकालीन लक्ष्य के महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति को निर्मित करना। अब क्या है पूर्ण रोजगार, कैसे इस स्थिति को लाया जाए, इसके लिए यह माना गया कि जितने भी व्यक्ति हैं देश में उनको कम से कम उनकी क्षमता के अनुसार कार्य तो जरूर मिलना चाहिए, ताकि वो अपने स्वयं के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके, अपना स्वयं का विकास कर सके और देश के विकास में उनकी एक भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके। अब अगर हम इसके तीसरे बिंदु की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक न्यायोचित वितरण को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया, कि जो आय का जो वितरण है उसमें समानता हो, कहीं ऐसा ना हो कि जो आय है देश की वो एक बहुत थोड़े से लोगों के पास जाकर सीमित हो जाए और एक बहुत बड़ा वर्ग देश का वंचित रह जाए। तो ऐसी प्रक्रिया, तो ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति ना निर्मित हो पाए, इसका भी प्रयास किया गया। अगले इसके लक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया। अब हमने पहले भी देखा कि शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, कृषि से लेकर प्रत्येक क्षेत्र में जो विकास था वो कहीं ना कहीं बाधित था, रुका हुआ था। इन सभी क्षेत्रों में विकास करने के लिए जो सबसे मुख्य बिंदु था वो था आधुनिकीकरण। कैसे उसमें आधुनिकीकरण किया जाए, किन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, किन विधियों को उसमें लगाया जाए जिससे इन सभी क्षेत्रों में विकास हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी का प्रयोग करना, ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकों को लाना, वैज्ञानिक अनुसंधान करना, इन सब चीज़ों को आर्थिक नियोजन में शामिल किया गया। वैसे ही अगले बिंदु की बात करें तो हम देखते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव की बात भी की गई। सामाजिक दृष्टिकोण में अगर हम बदलाव के बारे में सोचें तो यहाँ सबसे प्रमुख जो बिंदु आता है वो आता है महिला सशक्तिकरण का। महिलाओं को उनके उनकी जो क्षमता है उसके अनुरूप उनको भी कार्य दिया जाए, या देश के जो आर्थिक विकास है उसमें भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो इसके लिए दो मुख्य बिंदुओं पर जिन पर काम किया गया वो थे महिलाओं को शिक्षित करना, और दूसरा महिलाओं के द्वारा जो छोटे मोटे या घरेलू उद्योग जो चलाए जा रहे हैं उन उद्योगों को सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाए। तो ये कुछ ऐसे बिंदु थे जिनके आधार पर ये प्रयास किया गया कि सामाजिक सुदृढ़ता जो है नारी शक्ति के द्वारा उसको भी सुनिश्चित किया जा सके। अगले अगर हम इसके बिंदु की बात करें तो हम देखते हैं कि आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। तात्कालीन समय में बहुत सी वस्तुओं का हम अपने देश से बाहर निर्यात करते थे और बहुत से, ज़्यादातर हम आयात पर ही डिपेंड थे। बाहर से हम खाद्यान्न और बहुत सारी दवाइयों का और जीवन रक्षक बहुत सी वस्तुओं का आयात हम अन्य देशों से करते थे, लेकिन आज़ादी के बाद प्रयास किया गया कि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन हम अपने देश में कर सकें, इसलिए कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति के साथ हमने उद्योगों के विकास पर भी बल दिया, यानी अगर उद्योग अच्छे रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा माल का उत्पादन अगर हम अपने देश में कर पाते हैं तो जिन वस्तुओं को हम बाहर से आयात कर रहे हैं उन पर हमारी जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। तो आत्मनिर्भर को भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ये तो थे दीर्घकालीन लक्ष्य। अब अगर हम अल्पकालीन लक्ष्यों की बात करें तो
अल्पकालीन जो लक्ष्य थे वो बिल्कुल सुनिश्चित नहीं थे या किसी मुख्य बिंदु पर आधारित नहीं थे। समय की मांग के अनुरूप वो परिवर्तित होते रहे। जैसे कहा जा सकता है कि जब कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान किया गया, कृषि के बारे में देखा गया कि जो कृषि है वो बहुत पिछड़ी हुई है, पूरी की पूरी मानसून पे निर्भर है, सिंचाई के लिए भी हमको सिर्फ वर्षा के जल पर निर्भर रहना पड़ रहा है, अच्छी बीज या अच्छे खाद का प्रयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब दृष्टिकोण को देखते हुए कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी नई योजनाएँ लाई गई। बिल्कुल इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में जब जब देश ने आवश्यकता महसूस की तब तब बहुत सारी अल्पकालीन योजनाओं का निर्माण किया गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अल्पकालीन योजनाओं का जो समय है और किन क्षेत्र पे, किन क्षेत्रों के लिए वो योजनाएं बनाई जा रही हैं, ये सब डिपेंड करता है कि उस समय की मांग क्या है या देश में किस चीज़ की ज़रूरत है, इस पर डिपेंड करता है। अब आर्थिक नियोजन को गति देने के लिए बहुत सी योजनाओं का निर्माण तो कर लिया गया। बहुत सी योजनाएं, जैसे हमने पहले भी देखा कि 10 हजार करोड़, 15 हजार करोड़ या 35 हजार करोड़ तक के इन योजनाओं का निर्माण किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो सभी योजनाएं कागज पर धरी रह गई। फिर भी आर्थिक नियोजन की पूरी प्रक्रिया से जिन जिन क्षेत्र में योजनाओं का निर्माण किया गया वो काफ़ी हद तक सफल भी रही। तो आइए देखते हैं इस आर्थिक नियोजन का एक मूल्यांकन, यानी कि ये जो योजनाएं थी अलग अलग क्षेत्रों में बनाई गई वो कितनी सफल रही। अगर हम सबसे पहली बात करते हैं राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की, जैसे कि हमने जब आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों की बात की तो वहाँ पर हमने देखा कि इसका एक आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य ये भी था कि कैसे भी करके हमको राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करनी है, और राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाओं का निर्माण किया। इन योजनाओं, ये योजनाएं कितनी सफल हुई, अगर हम इस पर एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करें तो वास्तव में क्योंकि औद्योगिकरण हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, लोगों को रोज़गार मिला, हालांकि पूर्ण रोज़गार की स्थिति निर्मित नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या को रोज़गार प्रदान किया जा सका। तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में तो निश्चित ही वृद्धि हुई, लेकिन इनका दर क्या था, अगर हम इस पर एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय जहां 1950-51 में 9,506 करोड़ रुपए राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय 255 रुपए थी, वहीं ये दोनों ही आय बढ़कर 2015-16 में इनमें 7.3% की वृद्धि हो गई। अब अगर हम इन आंकड़ों की बात करें, वर्तमान आंकड़ों की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि अनुमानित शुद्ध राष्ट्रीय आय जो है वो 119.62 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर आंकी गई लगभग। वैसे ही 2014-15 में ये जो आय थी वो 110.08 लाख करोड़ थी। तो इन आंकड़ों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इनमें पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक या काफ़ी हद तक ये जो योजनाएं रहीं ये आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास के क्षेत्र में या प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय में के वृद्धि के क्षेत्र में सफल रही हैं। वैसे ही हम इसके दूसरे क्षेत्र की अगर हम बात करें, अगर कृषि की बात करें हम कृषि के क्षेत्र में, तो कृषि में भी व्यापक परिवर्तन हुआ।
कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, बहुत सी योजनाएं कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए आर्थिक नियोजन के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत बनाई गई और पर्याप्त मात्रा में इनसे कृषि के क्षेत्र में लाभ भी हुआ। इनके आंकड़ों पर अगर एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि 2013-14 तक काफ़ी प्रगति कृषि के क्षेत्र में हो चुकी थी, लेकिन अगर हम खाद्यान्नों के उत्पादन की बात करें, पहले जो खाद्यान्न फसल थी उनके उत्पादन की हम बात करते हैं, तो अब तक जो खाद्यान्न फसल का उत्पादन था वो 126.2 मिलियन टन तक इसमें वृद्धि हो चुकी थी। दूसरी अगर हम तिलहन की बात करें, तिलहन के क्षेत्र में क्या वृद्धि हुई, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 28 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि अब तक हो चुकी थी। अब वैसे ही अगर हम वास्तविक उत्पादन की बात करें कि उत्पादन कितना हुआ, तो अगर हम खाद्यान्न फसलों की बात करें तो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन 264.4 मिलियन टन और तिलहन फसलों के अगर हम उत्पादन की बात करें तो तिलहन फसलों का जो उत्पादन था वो 32.4 मिलियन टन के लगभग था। इन्हीं योजनाओं के विकास के साथ साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत भी बहुत सारे कार्यक्रम जो चलाए गए, उन कार्यक्रमों के कारण देश में जो 2016-17 तक 25 मिलियन टन जो है उत्पादन का लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया गया था। अब अगर हम बचत और पूंजी निर्माण की दिशा में बात करें तो वास्तव में बचत और पूंजी निर्माण की दिशा में जिन योजनाओं का निर्माण किया गया उनका व्यापक असर यहाँ पर देखने को मिला। एक आंकड़ों से अगर हम इसको समझें तो हम देखते हैं कि पूरे योजना काल में जो सकल विनियोग हुए उनमें काफ़ी बराबर मात्रा में वृद्धि हुई और 1950-51 में जो घरेलू बचत की दर 989 करोड़ रुपये थी वो 2001-02 में बढ़कर 585,374 करोड़ की हो गई। ठीक इसी तरह 2012-13 में बढ़कर 43,474 करोड़ रुपए हो गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो बचत और विनियोग है जो कि पूंजी निर्माण की पूरी प्रक्रिया में सहयोग करता है, इसमें इन योजनाओं का काफ़ी प्रभाव पड़ा है और अच्छी खासी यहाँ पर वृद्धि हमको देखने को मिली है। अब पूंजी निर्माण की अगर हम बात करें तो ये जो पूंजी निर्माण की दर है जो 1950-51 में 1,233 करोड़ रुपए थी बढ़कर 35,09,208 करोड़ रुपए हो गई। तो ये तो थी पूंजी निर्माण की दिशा में होने वाली समृद्धि। अगर हम सार्वजनिक क्षेत्रों के विस्तार की बात करें, सार्वजनिक क्षेत्रों का काफ़ी विस्तार हुआ यहाँ पर। अगर हम 1950-51 में जो सार्वजनिक उद्योग थे देश में उसकी अपेक्षा अगर हम आज के सार्वजनिक उद्योगों को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि इनमें काफ़ी विकास हुआ है। एक आंकड़ों से हम ये कह सकते हैं कि 1950-51 में देश में 4 या 5 सिर्फ सार्वजनिक उपक्रम थे, आज की अगर हम बात करते हैं तो 1,000 से भी ज़्यादा सार्वजनिक उपक्रम देश में हैं। इसी तरह अगर हम आयात निर्यात की बात करें तो यहाँ पर भी व्यापक वृद्धि हुई है, क्योंकि हमने देखा कि उत्पादन के क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया गया, तकनीकों का विकास किया गया और हमेशा ये प्रयत्न किया गया कि उत्पादन में वृद्धि की जा सके। तो इनके आंकड़ों पर अगर हम एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि 1950-51 में जो आयात था वो 608 करोड़ था और निर्यात जो था वो 606 करोड़ का था, जो कि वर्तमान में बढ़कर अगर हम आयात की बात करें तो 50 लाख करोड़ और निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो 35 लाख करोड़ का हो गया। तो हमने देखा कि चाहे उद्योग हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, हर क्षेत्र में 1950 से लेके अभी तक के आंकड़ों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अब जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके आधार पर हम प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार की बात करते हैं, यानी कि औद्योगिक विकास का क्षेत्र, औद्योगिक विकास पर भी अगर हम एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि औद्योगिक विकास भी योजना काल के पूरे वर्षों में काफ़ी औद्योगिक विकास हमको देखने को मिला।
यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे आधारभूत उद्योगों की स्थापना हुई, बहुत सारे सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना हुई, और साथ ही साथ कुछ ऐसे उद्योग भी आए जिनका भारत में अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। सुरक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, उपकरणों के क्षेत्र में, चाहे हथियारों के क्षेत्र की बात करें, देश में बहुत सारे ऐसे औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है। अगर हम औद्योगिक आत्मनिर्भरता की बात करें तो जाहिर है उद्योगों का विकास हुआ तो साथ साथ औद्योगिक आत्मनिर्भरता भी बढ़ी। 2013-14 में अगर हम इस्पात के क्षेत्र में बात करें तो 3.1% हुई है। सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र को देखें तो 3.3% की वृद्धि यहां पर भी देखने को मिली हुई है। रिफाइनरी की अगर हम बात करें तो यहां पर 4.6% की वृद्धि हुई है। बिजली उत्पादन की हम बात करें तो 2.8% यहां पर भी वृद्धि हुई है। उर्वरक उत्पादन की अगर हम बात करें तो 2.5% यहां पर भी वृद्धि हुई है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई या आर्थिक नियोजन की पूरी जो प्रक्रिया निर्धारित की गई वो काफ़ी सुचारू गति से चली है और देश के विकास को एक गति प्रदान की है इन्होंने। वैसे ही अगर हम बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की, तो हमने देखा कि 1951 में जो व्यापारिक बैंकों की जो शाखाएं थी वो काफ़ी कम थी, यानी 2647 के लगभग थी, जो कि अभी बढ़कर आप देखते होंगे कि लाखों की संख्या में व्यापारिक बैंक देश में हो गए हैं। वैसे ही अगर हम बिजली उत्पादन के क्षेत्र में बात करें तो बिजली उत्पादन की अगर आंकड़ों पर क्या वृद्धि हुई है बिजली उत्पादन के क्षेत्र में, इनके आंकड़ों पर अगर हम एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि बिजली उत्पादन जो है वो 5.1 बिलियन किलोवाट का हो चुका है। अगर हम 2013-14 के बिजली उत्पादन की बात करें तो वहाँ पर 6.9% की बढ़ोतरी हुई थी, या इसे हम कह सकते हैं कि 967.15 बिलियन यूनिट था। इसके साथ साथ देश में हाइड्रो स्टेशन से भी अगर बिजली उत्पादन की बात करें तो वो भी लगभग 25 मेगावाट से अधिक रहा। तो हमने देखा कि बिजली के क्षेत्र में भी काफ़ी, बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। बहुत सारी सार्वजनिक इकाइयों के साथ साथ निजी इकाइयां भी इस क्षेत्र में जुड़ती गई, और जिसका ये परिणाम रहा कि लगातार इसमें समृद्धि देखने को मिली। इसी तरह अगर हम एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसे हम कह सकते हैं कि वो हर देश की जीवन रेखा होती है, यानी कि परिवहन और संचार की बात करें, सड़कों की बात करें, हम जल यातायात चाहे वायु यातायात की हम बात करें, तो प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन और व्यापक समृद्धि देखने को मिली है। अगर हम एक आंकड़ों पर नज़र डालें तो 1950-51 में जहाँ 53,000 किलोमीटर रेल मार्ग था, वो 2001-02 में बढ़कर 63,140 किलोमीटर हो गया। 2012 में ये बढ़कर 104,693 किलोमीटर हो गया। अब अगर हम बात करें सड़कों की, तो सड़कों का भी काफ़ी विकास हुआ है। समय समय पर सड़कों के मरम्मत, उनके विस्तार के लिए बहुत सारी योजनाएं देश में चलाई गई, और उसका एक परिणाम ये रहा कि जहां 1950-51 में 4,00,000 किलोमीटर लंबी सड़कें ही थी देश में, वो बढ़कर 2013-14 में 3,870 करोड़ की कुल लागत से 1,103.58 लाख किलोमीटर तक हो गई। दूसरी अगर हम जल यातायात की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत में जो भारतीय जहाज रानी है उसका पूरे विश्व में 20वां स्थान है, तो ये भी हमारे देश के लिए गौरव की बात है। दूसरा अगर हम हवाई अड्डों की बात करें या हम वायु यातायात की बात करें तो लगभग पूरे देश में 67 एयरपोर्ट आज भी, आज की तिथि तक विद्यमान है।
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि परिवहन और संचार के प्रत्येक क्षेत्र में जिन योजनाओं का निर्माण किया गया उनका व्यापक विकास हुआ, बहुत अच्छे से उन योजनाओं को गति प्रदान की गई और जो उन योजनाओं के उद्देश्य थे वो पूर्ण हो सके। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिसकी आवश्यकता स्वतंत्रता के बाद बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही थी वो थी शिक्षा। हमने देखा कि स्वतंत्रता के समय शिक्षा का स्तर जो था वो बहुत ही कम था और अगर हम महिला शिक्षा की बात करें तो बहुत ही निम्न स्तर पर थी। तो एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी, शिक्षा की जो समस्या थी वो देश के सामने एक चुनौती बनकर उभरी। लेकिन जब आर्थिक नियोजन को इस दिशा में आर्थिक नियोजन में जब शिक्षा के क्षेत्र में काम किया गया तो शिक्षा में हमने व्यापक परिवर्तन देखा। अगर हम इनके आंकड़ों पर एक नज़र डालें तो योजना काल के प्रारंभ में जहां देश में लगभग 26 से 27 विश्वविद्यालय कार्य कर रहे थे वहां इनकी संख्या अब बढ़कर लगभग 259 हो गई है। ठीक इसी तरह अगर हम साक्षरता के प्रतिशत की बात करें तो जहां 1951 में ये 16.6% था वहीं 2005 तक साक्षरता का ये प्रतिशत बढ़कर 65.4% हो गया था। तो यहाँ हमको शिक्षा के क्षेत्र में जिन योजनाओं का निर्माण किया गया उनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी सफल रही वो योजनाएं। ठीक इसी तरह जब 1950-51 में जो प्राथमिक स्कूल थे वो लगभग 2.3 लाख ही थे जो कि अब 8 लाख से भी ज़्यादा हो चुके हैं। ऐसे ही अगर हम स्नातक या स्नातकोत्तर कॉलेज की अगर हम बात करें तो 1950-51 में या स्वतंत्रता के जस्ट बाद की अगर हम बात करें तो लगभग 578 जो थे वो आज लगभग 12,342 की संख्या में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में तो व्यापक परिवर्तन हुए हैं या जिन्हें हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। इसी तरह अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, काफ़ी सुधार हुए हैं या वृद्धि भी हुई है। इन आंकड़ों पर अगर हम एक नज़र डालें तो देखते हैं कि 1950-51 में जहां देश में केवल 27 से 28 ही मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे जो कि आज 200 से भी अधिक हो गए हैं और मेडिकल कॉलेज के निर्माण उनकी स्थापना की दिशा में लगातार कार्य जारी है। ठीक इसी तरह पहले हमने देखा कि जो बीमारियां हुई करती थी जैसे टीबी, चेचक, हैजा, इन सब बीमारियों की वजह से लाखों की संख्या में लोग अपने जान गंवा दिया करते थे। ऐसा शायद इसलिए होता था कि इन बीमारियों के इलाज की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, वैक्सीन नहीं हुआ करती थी या चिकित्सा के क्षेत्र में जो मानवीय संसाधन थे उनकी कमी थी। जब पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र को शामिल किया गया तो इन क्षेत्रों में एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिला। अगर हम आंकड़ों के द्वारा इनको देखना चाहें तो हम देखते हैं कि 1950-51 में जहां मृत्यु दर वो 27.4% पर थी जो कि बाद में इन योजनाओं के द्वारा जब स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ तो ये जो मृत्यु दर थी वो घटकर लगभग 8.7% व्यक्ति तक सीमित हो गई। इसी तरह अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की तो जहां 1950 में देश के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र नहीं था लेकिन आज 22,975 से अधिक ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र और 1,37,311 उपकेंद्र हैं। और ऐसे ही बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में की गई और इन स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के निर्माण की प्रक्रिया अभी तक जारी है। इसी तरह अगर हम उपभोग की बात करें, जब उत्पादन हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है तो वो लोगों तक पहुंचा है लेकिन लोगों की क्रय शक्ति कितनी बढ़ी है, कितना वो उपभोग पर व्यय कर रहे हैं ये देखना भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। तो जब उपभोग के बारे में देखा गया कि योजनाएं कितनी सफल रही हैं तो यहाँ पर भी व्यापक विस्तार देखने को मिला। उपभोग के क्षेत्र में अगर हम देखें तो
प्रति व्यक्ति उपभोग में पर्याप्त वृद्धि हुई। अगर हम अनाज की बात करें तो अनाज का जो प्रति व्यक्ति उपभोग था जो कि 1950-51 में लगभग 334 ग्राम प्रति व्यक्ति था, वो वर्तमान में लगभग 500 ग्राम प्रति व्यक्ति तक बढ़ गया। इसी प्रकार अगर हम खाद्य तेलों के उपभोग की बात करें, खाद्य तेलों के उपभोग की अगर हम बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति उपभोग जो 1951 में 3.1 ग्राम था वो वर्तमान में 10.6 किलोग्राम हो गया। तो यहाँ पर भी हमको वृद्धि देखने को मिल रही है। हाँ, अगर हम खाद्यान्न के उपभोग की बात करें तो एक क्षेत्र यहाँ पर ऐसा आता है जहाँ पर कमी देखने को मिली, दलहन के क्षेत्र में। दलहन के उपभोग की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक स्तर पर ये जो दलहन का उपयोग 61 ग्राम जो प्रति व्यक्ति था वो बाद में घटकर 31 ग्राम हो गया। तो यहाँ पर उपभोग जो है वो कम देखने को मिला है। इसी तरह चाहे हम कपड़ा उद्योग की बात करें, चीनी उद्योग की बात करें, जूट उद्योग की बात करें, प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक विस्तार और वृद्धि देखने को मिली है। अगला अगर हम इसके बिंदु की बात करें यानी सामाजिक न्याय की बात करें, क्योंकि ये भी उसका महत्वपूर्ण एक उद्देश्य रहा है सामाजिक न्याय, तो क्योंकि हमने देखा कि पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सका, लेकिन फिर भी अधिकांश जनसंख्या को रोजगार दिया जा सके इसका पूरा प्रयास किया गया। बहुत सारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई जिससे लोगों को रोजगार मिला। अब क्योंकि एक अधिकांश इकाई को रोजगार मिल चुका था तो लोगों का जो जीवन स्तर था वो अपने आप धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। तो यहाँ पर सामाजिक न्याय की भी प्राप्ति हुई है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो हमने पहले भी देखा कि क्योंकि औद्योगिक इकाइयों का पर्याप्त विस्तार हुआ इसलिए रोजगार के अवसरों में भी बराबर वृद्धि हुई है। इसी तरह विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हुआ। बहुत सारे अनुसंधान संस्थाओं की, बहुत सारे साइंस सेंटर की और रिसर्च सेंटर की स्थापना सरकार के द्वारा की गई। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण इन दीर्घकालीन योजनाओं के अंतर्गत किया गया या बहुत समय की मांग के अनुरूप बहुत सारी अल्पकालीन योजनाओं का भी निर्माण किया गया। अगर हमने अभी तक जिन आंकड़ों को देखा उस पर हम नज़र डालें तो हम देखते हैं कि काफ़ी वृद्धि हुई है, काफ़ी व्यापक परिवर्तन हुए हैं और काफ़ी विकास हमको देखने को मिला है। अब जहां एक ओर इन योजनाओं का मूल्यांकन किया गया तो ये देखा गया कि जिन जिन क्षेत्रों में ये योजनाएं अप्लाई की गई, इन योजनाओं को क्रियान्वित किया गया, उन सभी क्षेत्रों में व्यापक विकास देखने को मिला। लेकिन फिर भी इनमें कुछ कमियां थी, कुछ ऐसे बिंदु थे जिनके कारण इन सभी क्षेत्रों में जो इनके उद्देश्य निर्धारित किए गए थे योजनाओं के वो पूर्णतः प्राप्त नहीं किए जा सके। तो इन योजनाओं की विफलताओं की या इन क्या कारण थे या क्या कमियां रह गई इसके अंतर्गत, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो विकास की जो दर थी वो धीमी थी या कम थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग सभी क्षेत्रों में हमने विकास के जो प्रतिशत देखे, हालांकि विकास तो हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उनका तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि जो विकास की जो दर है, जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। यानी हम कह सकते हैं कि विकास की जो दर है वो धीमी है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम बात करें देश की एक महत्वपूर्ण समस्या गरीबी, तो गरीबी के बारे में भी हम कह सकते हैं कि योजनाएं तो बहुत सारी लाई गई, क्रियान्वित भी हुई, सफल भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं गरीबी की जो समस्या थी वो दूर नहीं हो पाई। जहां देश में 1951 में 16.4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे, वहीं अगर हम आज की बात करें तो आज भी लगभग देश की 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। तो लोगों के का जीवन स्तर तो सुधारा गया, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने का भी पर्याप्त प्रयास किया गया और वृद्धि हुई भी, लेकिन गरीबी की समस्या को कहीं ना कहीं हल नहीं किया जा सका। अब इन योजनाओं की विफलताओं की अगर हम बात करें तो एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो थी असमानता में वृद्धि। हालांकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने का व्यापक प्रयास किया गया,
बेरोजगारी को दूर करने का व्यापक प्रयत्न किया गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो आय के वितरण की असमानता थी वो समाज में बनी रही। दूसरे अगर हम इसके कारण की बात करें तो हम देखते हैं कि वस्तु की कीमतों में जो वृद्धि है वो लगातार होती रही। किसी वस्तु की कीमत के आज से 10 साल पहले की कीमत और आज की कीमत को अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर हम तुलना करते हैं, तो भले ही कम प्रतिशत में हो या ज़्यादा प्रतिशत में, लेकिन उस वस्तु का बढ़ा हुआ मूल्य ही हमें देखने को मिलता है। हालांकि औद्योगिकरण के बाद उत्पादन की प्रक्रिया में काफ़ी सुधार आया, बहुत सारे तकनीकों का प्रयोग किया गया, बहुत सारे अनुसंधान किए गए, उत्पादन में भी वृद्धि हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कारण भी रहे जिनके कारण उन उत्पादित वस्तुओं की कीमतें भी लगातार बढ़ती गई। अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी की जो समस्या थी वो बढ़ती गई। जो बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयाँ थी, जो बीमार उद्योग थे, उनको सरकार ने उनको वापस प्रारंभ किया, फिर से उनको प्रारंभ किया, फिर से उन उद्योग धंधों को गति प्रदान की गई, लोगों के लिए पूर्ण रोजगार की एक जो कल्पना थी वो की गई, अधिकांश लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी बेरोजगारी की जो समस्या थी वो कहीं ना कहीं बनी रही। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जनसंख्या भी इतनी तीव्र गति से बढ़ती गई कि सभी लोगों को रोजगार मुहैया कर पाना कहीं ना कहीं कठिन साबित होता गया। साथ ही यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु एक देखने को मिला वो ये था कि सार्वजनिक क्षेत्रों की जो असफलता थी, जब उद्योग धंधे प्रारंभ किए गए तो कुछ इकाइयां ऐसी थी जो सार्वजनिक क्षेत्र की थी और कुछ इकाइयां उसमें निजी भी आई, या कहा जाए तो अधिकतर निजी इकाइयां जो थी वो उत्पादन के क्षेत्र में आ चुकी थी। अब ये सार्वजनिक क्षेत्रों की निष्क्रियता कही जाए या उनकी नीतियों में कुछ कमी कही जाए कि लगातार ऐसा होता रहा कि निजी क्षेत्र के जो उद्योग थे वो ऊपर उठते गए और सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम थे वो कहीं ना कहीं पिछड़ते चले गए। अब अगर हम बात करें उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों की, तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि विकास तो सभी क्षेत्रों में हुआ है, लेकिन जो विकास की दर थी वो उम्मीद से काफ़ी कम रही। साथ ही अगर हम ऋण की बात करें तो ये जो इतने सारे विकास के लिए जो योजनाएं बनाई गई उनके कारण जो विदेशी ऋण लेना पड़ा देश को, उसका भार बहुत अधिक पड़ने लगा। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करें तो वो था राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा के बारे में अगर हम देखें तो केंद्र और राज्य सरकार में वास्तव में आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जो संतुलन या जो समन्वय बनना चाहिए था वो किन्हीं कारणों से नहीं बन पाया और कहीं ना कहीं लगातार राजकोषीय घाटे की स्थिति निर्मित होती रही। ठीक इसी तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो थी वो उन्होंने देश में कदम रखा, वो विकसित होती चली गई, बढ़ती चली गई, और जो देश की जो कंपनियां थी, जो सार्वजनिक उपक्रम थे, वो पिछड़ते चले गए। तो ये सारे कुछ ऐसे बिंदु थे जिनके कारण योजनाओं का निर्माण किया गया, सुचारू रूप से क्रियान्वयन की व्यवस्था भी की गई, फिर भी जो एक्सपेक्टेशन थी, जो इनसे उम्मीदें थी, जो प्राप्त होना था देश को, वो कहीं ना कहीं प्राप्त नहीं हो पाया। तो क्या कारण थे इन योजनाओं के विफलताओं के? क्या ऐसा हुआ जिससे इन योजनाओं पे इतने हजार करोड़ रुपयों का व्यय करने के बाद भी कहीं ना कहीं ये योजनाएं विफल रहीं? आइए इनके कारणों पर एक नज़र डालें। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण तो ये था कि योजना आयोग की जो शक्ति थी वो असीमित शक्ति थी। वास्तव में योजना आयोग का जो कार्य था वो सिर्फ योजनाओं को बनाना था, इनका जो क्रियान्वयन था वो पूरा का पूरा सार्वजनिक हाथों में था। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार या लाल फीताशाही के कारण ये जो योजनाएं थी वो सफल नहीं हो पाई। दूसरे अगर हम इनके कारणों की बात करें तो एक भेदभाव की भी नीति अपनाई गई। कुछ क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक बल दिया गया, जैसे
परिवहन और संचार के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा व्यय किया गया, लेकिन जहाँ पर खाद्यान्न की बात थी, जो अनिवार्य आवश्यकताओं की बात थी, मूलभूत आवश्यकताओं की बात थी, वहाँ कहीं ना कहीं जो ये व्यय का जो प्रतिशत था वो कम रहा। तो यहाँ पर भी एक भेदभावपूर्ण स्थिति निर्मित होने के कारण भी ये जो योजनाओं की विफलता की जो समस्या थी वो बनी रही। तीसरी, अगर हम बात करें योजना की प्रक्रिया की दोष, तो एक्चुअली नियोजन जो है वो एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। सामान्य जो योग्यता वाला व्यक्ति है वो नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण कर पाने में कहीं ना कहीं असफल हो जाता है। किस क्षेत्र के लिए योजना का निर्माण किया जा रहा है, उस क्षेत्र की तात्कालिक स्थिति क्या है और किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए योजना बनाना है, ये सारी बातें भी महत्वपूर्ण होती है। इनकी जानकारी के अभाव में अगर नियोजन की प्रक्रिया को चलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये पूरी प्रक्रिया दोषपूर्ण हो जाती है। अगर हम अगले इसके विफलता के कारणों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र था देश के लिए वो था कृषि क्षेत्र, और कृषि क्षेत्र की कहीं ना कहीं उपेक्षा की जाती रही। अब देश की जो 70% आबादी थी उसका जो मुख्य जो आय का स्रोत था वो कृषि था, तो सबसे जरूरी जो क्षेत्र था वो कृषि क्षेत्र था। कृषि क्षेत्र में व्यापक विस्तार या प्रचार, उसका प्रसार जो किया जाना था, वास्तव में वैसा नहीं हो पाया। अगला अगर कहा जाए तो शायद ऐसा हो सकता है कि विभिन्न क्षेत्रों में जिन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना था वहाँ गलत विधियों, गलत नीति या गलत तकनीकों का प्रयोग किया गया, इसलिए भी ये योजनाएं सफल नहीं हो पाई। ये तो योजनाओं के असफलता की बात थी। अब कौन कौन से ऐसे सुझाव हो सकते हैं जिससे ये योजनाएं सफल हो सकती थी या आगे आने वाली जो योजनाएं बनाई जाएंगी वो सफल हो पाएंगी, इस पर अगर हम एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि जन सहयोग को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो योजनाएं होती हैं वो जनता के लिए ही होती हैं, जो समस्याएं होती हैं वो जनता की ही होती हैं, तो कहीं ना कहीं इन योजनाओं के क्रियान्वयन में जनता का सहयोग लिया जाना भी जरूरी है। इसी तरह कीमत स्थायित्व की बात, जब हम विफलताओं की बात करते हैं तो हमने देखा कि कीमत का हमेशा बढ़ा हुआ होना, लगातार उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होते रहना, ये भी विफलता का एक कारण था। तो अगर कीमत को थोड़ा स्थायित्व प्रदान कर दिया जाए तो ये योजनाएं हो सकता है कि सफल हो पाएं। वैसे ही हमने देखा कि सार्वजनिक उपक्रम जो थे वो बंद होते गए, धीरे धीरे कम होते गए, लेकिन निजी क्षेत्र के जो उपक्रम थे वो उन्होंने अपनी पैठ जमा ली देश में। तो क्या ऐसा कारण रहा होगा कि ऐसी स्थिति निर्मित हुई, इस पर भी विचार विमर्श किया जाए, और कहीं ना कहीं ये प्रयास करना भी जरूरी है कि सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में एक समन्वय स्थापित हो सके, सामंजस्य स्थापित हो सके। इसी तरह अगर हम कृषि क्षेत्रों की बात करें, जैसे कि हमने विफलताओं में देखा कि कृषि क्षेत्रों में व्यापक प्रसार नहीं किया गया, उन पर बहुत अधिक योजनाएं नहीं बनाई गई, तो क्योंकि अब भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है तो मुख्य रूप से कृषि पर, कृषि से संबंधित योजनाएं बनाना और उनको उद्देश्यपूर्ण बनाना और उनको सफल करना, ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही बचत और विनियोग की अगर हम बात करते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति बचत कर सके, वो कहीं ना कहीं किसी अच्छी इकाई पर उसको इन्वेस्ट कर सके, विनियोग कर सके, क्योंकि बिना पूंजी निर्माण के जो ये जो योजनाएं हैं या देश का जो विकास है वो सफल हो नहीं सकता है। तो पूंजी निर्माण के लिए कहीं ना कहीं लोगों को बचत या विनियोग के लिए प्रोत्साहित करना भी जरूरी है। अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो मानव शक्ति का हम प्रयोग जो है वो सही तरीके से कर पाएं। जो हमारे देश के जो बच्चे हैं जो बहुत क्वालिफाई हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है, लेकिन कहीं ना कहीं देश में उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जो उनकी योग्यता के अनुकूल हो। शायद यही कारण है कि ऐसे उच्च शिक्षित आय वर्ग के जो युवा हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों की ओर चले जाते हैं। तो इस पर भी एक विचार किया जाना चाहिए कि जो हमारे देश के जो युवा हैं
उनके अंदर जो क्षमता है, उनके अंदर जो ताकत है, उसका प्रयोग हम अपने ही देश में करें, तो इस पर भी ध्यान देना एक महत्वपूर्ण बात है। तो कुल मिलाकर इस अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए सबसे पहले योजनाओं का निर्माण कर लेना चाहिए, यानी कि सुनियोजित ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से, नियमित रूप से उन योजनाओं को का सुचारू क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है। ऐसे कार्य जिनकी पूर्व योजना नहीं बनाई जा सकती है या नहीं बनाई गई है, वो कहीं ना कहीं विफल हो जाते हैं।